सनातन धर्म में सूर्यदेव से जुड़े कई त्योहारों को मनाने की अनूठी परंपरा है और इन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। हमारे शास्त्रों में मकर संक्रांति पर दान, ध्यान और स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। आपको बता दें कि आज के दिन ही खरमास का समापन होता है, इसी कारण शादी विवाह, उपनयन, गृह प्रवेश जैसे तमाम शुभ कार्यों पर लगी रोक भी हट जाती है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान 100 गुना बढ़कर वापस लौट जाता है, इसलिए लोग इस पर्व को बड़ी आस्था से मनाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस त्योहार को पूरे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है? अगर नहीं जानते तो आइए हम आपको बताते हैं। मकर संक्रांति को माघ संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति तो गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। वहीं पंजाब में इस पर्व को लोहड़ी, उत्तराखंड में उत्तरायणी और केरल में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। हर साल 14 जनवरी को मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का त्योहार इस साल 15 जनवरी यानी आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कड़ी में हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ले चलेंगे और दिखाएंगे कैसे लोगों ने इस त्योहार को खास बनाया। देश भर में कड़ाके की ठंड के बीच गंगा घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। दोस्तों, सबसे पहले आपको ले चलते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस के दशाश्वमेध घाट पर। आप खुद देखिए यहाँ हजारों की संख्या में लोग कैसे पूरे जोश के साथ गंगा स्नान कर रहे हैं और घाटों पर भक्तों का भजन कीर्तन भी चल रहा है। इस खास मौके पर लोगों ने खुद इसके महत्व को बताया। आज गंगा स्नान, वो मकर संक्रांति का स्नान है, बहुत बड़ा स्नान है और ये स्नान महा स्नान माना जाता है और इसमें दान का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, चावल का, क्योंकि यहाँ पे खेती नहीं होती है तो इसलिए यहाँ पे जितना ज्यादा दान किया जा सकता है वो करना चाहिए यहाँ पे। ये भैया मकर संक्रांति है, जब 6 महीना सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, 6 महीना दक्षिणायन रहते हैं, तो दक्षिणायन में करीब जो भगवान विष्णु की जब आती है, वही आषाढ़ में जो है वही हर शनि एकादशी, जिस दिन भगवान नारायण सो जाते हैं, उसके बाद 6 महीने तक जो है समझ लिए सब शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। और अब सूर्य जो है उत्तरायण हो गए, मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, तो उस दिन के बाद जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो और नजदीक आते हैं और धीरे धीरे ठंड की विदाई होने लगती है। मकर संक्रांति के दिन आज संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट पर भी लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जिस तरह से वाराणसी में बदलाव दिख रहा है और लोगों को यहाँ एक नया बनारस नजर आ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के तमाम घाटों का सौंदर्यीकरण, जिसके कारण बीते सालों में यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आए हैं। आज मकर संक्रांति के मौके पर भी यहाँ सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान लोगों ने आज जमकर पतंगबाजी भी की। दोस्तों, ये पतंगबाजी काफी खास रहा, क्योंकि यहाँ मिल रहे पतंगों में देश के तमाम नेताओं की तस्वीर नजर आई। लेकिन लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामों की पतंगों का सबसे ज्यादा क्रेज देखने को मिला, क्योंकि राम मंदिर को लेकर बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस के लोग भी काफी उत्साहित हैं। साथ ही यहां विपक्षी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और मायावती की तस्वीर लगी पतंगे भी आसमान में नजर आई। ये पतंगबाजी जैसे होता है कि अब 2024 का चुनाव का बिगुल बुझ गया है, तो सभी पार्टियां अपनी अपनी लगा रही है, तो हम लोग आज काशी से ये पतंग में उन लोगों का पिक्चर लगा के दिखा रहा है कि कौन तेजी में चल रहा है। नॉर्मली तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसके उल्लास के साथ तो इसमें योगी और मोदी जी का पावर ज़्यादा मजबूत है, लेकिन आज हम लोग पतंगों में पतंग में लगा के देख रहे हैं कि कौन बीच पड़ रहा है।
यहाँ पे राजनीतिक तौर से हम लोग पतंगबाजी कर रहे हैं, जिसके जिसको देखते हुए हम लोग देख रहे हैं योगी और मोदी जी का पतंग आकाश में उड़ाया जा रहा है। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर उत्तेज हुआ है यहाँ पे ढेर सारे यात्री और पतंगबाजी के लिए, आज मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा दिन है, तो हम लोग बहुत शौक से इसको उड़ा के योगी और मोदी जी का नमस्कार कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आपको रायबरेली की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी गंगा में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और श्रद्धालुओं ने सर्दी के इस भीषण सितम में आस्था की डुबकी लगाई। यहाँ स्थित माता संकटा के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना करने के लिए आए। तो दोस्तों क्या आपने भी मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर श्रद्धा की डुबकी लगाई? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।